पिछले दिनों लैंसडाउन विधानसभा के अंतर्गत एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसे एक स्थानीय लड़के ने वायरल किया था। उसने दिखाया था कि जो सिमिड़ी से कांडामल्ला जो ये सड़क जा रही है, मैं दिखाना चाहूँगा कि जब आप लैंसडाउन से आते हैं और डिगरिया खाल होते हुए आप आगे धुमाकोट या बीरो खाल जाते हैं, वो वाली सड़क ये है। और सिमिड़ी से ये 5 किलोमीटर करीब 480 किलोमीटर ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़क है, वो बनाई गई है। और उस जो युवा था उसने आरोप ये लगाया था, उसने जूते से इसे खुर्चा था रोड को और बताया था कि इसकी पेंटिंग बहुत खराब है। कैसे ऐसे तार को लगाया, ये देखो ये तार को लगाया कांडामल्ला की रोड पे। आप खुद बताओ कि ये टाइम पास से गाय ऐसे हल्के ऊपर से बजरी लगा के चले गए, आप लोग हमें बताओ कि ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। मेरे व्हाट्सएप पर एक सड़क का वीडियो आया 1 मिनट का, और उसको मैंने देखा कि उस सड़क की क्वालिटी ठीक नहीं है। जिस तरह से वहाँ पर जिन्होंने वीडियो भेजा है तो उस पर हमने जांच के आदेश दिए, जो भी दोषी पाएगा उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन मैं जब यहाँ पे पहुँचा हूँ और सिमड़ी से जब मैं ऊपर जाऊँगा तो यहाँ पे पेंटिंग बहुत ही अच्छी है, इसमें जो बारीक दाना है वो भी अब पड़ चुका है और अभी यहाँ पे बिल्कुल ख़राब नहीं लगती। लेकिन हम यहाँ ऊपर जाएंगे और स्थानीय जो ग्रामीण है उनको भी हमने बुलाया है कि वो भी वहाँ पे आएं और अपनी बात रखें कि यहाँ पर समस्या क्या है। सिमड़ी जगह है जहाँ से ये 480 किलोमीटर की सड़क बनी है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की, आप देख सकते हैं ये सड़क है वो। और फिलहाल यहाँ पे शुरुआती जो पहला किलोमीटर हम चल रहे हैं इसमें सड़क पेंटिंग में कोई दिक्कत यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रही है। हालांकि हम टेक्निकल इसमें है नहीं, लेकिन सड़क बहरहाल मजबूत दिखाई दे रही है। हम इसे खुरचने की कोशिश हमने भी की तो हम इसे खुरच नहीं पाए, तो सड़क फिलहाल ठीक दिखाई दे रही है। और पूरे 5 किलोमीटर हम जाएंगे और इसका जायजा लेंगे कि इसमें जो दिक्कत है और जहाँ पे खुर्चा गया था उस युवा के द्वारा वहाँ पे क्या वाकई सड़क खराब थी। अभी मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे उस नव युवक ने यहाँ पे पेंटिंग को खराब बताया था। मैं बताना चाहूंगा कि ये वो जगह है जहाँ पे उसने खुर्चा था सड़क को, लेकिन अभी इस तरह का यहाँ पे कुछ नहीं है। और ये जो नीचे आप गांव दिख रहे हैं ये कांडा तल्ला गांव है, इसके एग्जैक्टली अगर आप वो वीडियो देखेंगे उसके ठीक ऊपर यहाँ पे उस नवयुवक ने दिखाया था कि यहाँ पे पेंटिंग ख़राब है। लेकिन अब जब हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो यहाँ पे पेंटिंग बिल्कुल सही है, यहाँ पे इस तरह की कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती। और इसमें जो ऊपर बारीक वाला जीरा पड़ना चाहिए वो भी यहाँ पे पड़ चुका है, तो इसका तो उखड़ने का कोई मतलब ही नहीं। हम टेक्निकल नहीं है लेकिन यहाँ पे जो जिन्होंने यहाँ पे काम किया है उनसे बात करने चाहेंगे कि यहाँ पे आखिर उस दिन जो दिखाई दे रहा था तो वो तो एकदम पेंटिंग खराब दिखाई दे रही थी वीडियो में, ऐसा क्यों था? सर यहाँ पे मशीन ख़राब हुई थी हमारी, और वो मशीन ख़राब होने के कारण थोड़ा और बारिश पड़ी थी तो इस कारण थोड़ा वो था। और दूसरे दिन हमने मतलब जब नया माल आया माल लगाने के बाद ठीक हो गया था, लड़के ने उसी दिन खो दिया उसको उसी समय। तो उसके बाद आपने ये पेंटिंग बाद में सही की है? बाद में नहीं, मतलब चालू था जी, काम यहीं तक हुआ था, आगे हमने जैसे बढ़े तो वैसे माल उसके ऊपर डालना शुरू कर दिया। अच्छा, तो इनका ये कहना है कि यहाँ पे उनकी जो पेवर मशीन है वो यहाँ पे खड़ी थी तो यहाँ पे पेंटिंग नहीं हो पाई थी, लेकिन उस बाद में उसे जैसे ही वो मशीन यहाँ से हटी तो उसके बाद इस पेंटिंग को यहाँ पे कर दिया गया। लेकिन वो नवयुवक यहीं पे आया था और यहीं पे उसने पेंटिंग दिखाई थी कि यहाँ पे एकदम घटिया पेंटिंग की गई है, जिसको पाँव से रगड़ के उसने हटाते हुए दिखाया था। अभी हम जो कांडामल्ला के गांव के लोग हैं उनको भी हमने बुलाया है कि वो भी बात रखें। गांव के लोग यहां पे आए हुए हैं इस समय, हमने इनको बुलाया था कि वो अपनी बात रखें कि आखिर समस्या क्या है। आपका शुभ नाम क्या है, किस गांव के हैं और क्या समस्या है यहां बताइए? मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं कांडामल्ला का हूं जी। आप ही बताएंगे, एक तो पेंटिंग के बारे में बताइए कि पेंटिंग क्या वाकई ख़राब थी और आज जब हम आए तो आज तो ठीक दिखाई दे रही है। एक्चुअली उस टाइम हमारे ये दो तीन लड़के आए थे, उस टाइम बिल्कुल ये ऐसे ही बना हुआ था, ऊपर से उन्होंने गिट्टी डाल दी थी, नीचे मिट्टी के ऊपर गिट्टी डाल दी थी। फिर उन लोगों ने वो वीडियो वायरल किया था, उस पर जाँच हुई थी और उनको पूरा जब वीडियो वायरल हो गया था तो उन्होंने फिर दोबारा ये ठेकेदार था उन्होंने दोबारा बाद में किया, फिर पहले ऐसे ही डाला हुआ था। जब मुख्यमंत्री जी ने जाँच आदेश दिए थे उसके बाद हुई, उसके बाद ये काम हुआ था, फिर पहले ऐसे ही पड़ा हुआ था। अच्छा, तो इनका ये कहना है कि यहाँ पर पेंटिंग जो है ठीक नहीं थी और जब मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए उसके बाद इसे ठीक किया गया।
यहाँ पे और लोग भी है, उनसे भी मैं बात करूंगा। जी आप बताएं, आप किस गांव के, क्या नाम है आपका? मैं कांडा तल्ला का हूँ, मेरा नाम भी सोहन सिंह है। अच्छा, आप बताइए वो लड़का कहाँ है, उससे भी मिलना चाह रहे थे हम, जिसने एक्चुअली वो लड़का गया है जॉब करने, गया दिल्ली। अच्छा, ये जागरूक किया उन्होंने, घटिया सामग्री का यूज हो रहा था तो उन्होंने जागरूक किया था, उसके बाद उसका कोई अर्जेंट काम पड़ गया, दिल्ली चले गया। पेंटिंग में प्रॉब्लम ये थी कि मतलब मशीन जब खराब हो गई, 5-6 घंटे हो गए मशीन को खराब हुई, तो माल ठंडा हो गया, रोलर आगे था पीछे पीछे माल पड़ गया, तो उस वजह से माल ठंडा हो गया। हेलो, जब वो माल फिर सुबह जो है फेंका गया, उसके बाद अब आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। मेरा नाम शेरचंद। अच्छा, क्या समस्या है? कंपनसेशन लगा हूं, मेरी सारी जमीन कटे गई साहब। यहां कितनी नाली जमीन कटी आपकी? वो तो उनके पास लीक होगा, हम साहब आए थे ना, उनके करीब लिखा था, उन्हें कंपनसेशन नहीं मिला। कांटा तलका हूं, यहां पर हमारी 2-3 भाइयों की जमीन थी, वो सब काटी गई है, और हमको पूछा भी नहीं गया हमको, जिस समय कटेगा कि हम पूछा भी नहीं किसी। यहाँ पे एक चीज निकल के आई है कि जो सोशल मीडिया की पावर है वो कितनी ज्यादा है, वो इस वायरल वीडियो से पता चला है। और आज जब हम यहाँ पे पहुंचे हैं तो यहाँ पे पेंटिंग एकदम ठीक दिखाई दे रही है, हालांकि जो कॉन्ट्रेक्टर है उनका ये कहना है कि यहाँ पे जो उनकी पेवर मशीन थी वो रखी हुई थी और उस वजह से ये पेंटिंग खराब हो गई थी, अन्य जगह पर पेंटिंग सही थी, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि पेंटिंग खराब थी। लेकिन अब ये जांच का विषय है, जब लोक निर्माण विभाग के जो सीनियर अधिकारी है यहाँ पे पहुँचेंगे, जांच करेंगे, तभी स्पष्ट हो पाएगा कि ये पेंटिंग कैसी है। लेकिन इस वीडियो ने एक बात तो स्पष्ट कर दी है कि उत्तराखंड के दूर दराज इलाके में जहाँ मीडिया नहीं पहुँच पाता है, वहाँ पर सोशल मीडिया बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, वहाँ से जानकारी सरकार और जो बड़े अधिकारी प्रशासन के हैं उन तक पहुंचेगी, मीडिया तक पहुंचेगी, और जरूर जो भ्रष्टाचार कहीं पे हो रहा है या गलत हो रहा है वहां पर उस पर उचित कार्रवाई भी होगी। जागो उत्तराखंड के लिए कांडा मल्ला से आशुतोष नेगी की रिपोर्ट।